अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सर? वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी जायका। आज मैं पाकिस्तानी जायका में बना रही हूँ बीफ कढ़ाई कीमा कटाकट रेस्टोरेंट स्टाइल। चले हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। आपको रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल एंड तक देखनी है। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम आधा किलो बीफ का कीमा लेंगे। ये फ्रीज हुआ हुआ कीमा है, तो सबसे पहले मैं इसको पानी में बॉयल दूंगी और पानी हम सारा इसका कर देंगे वेस्ट। एक बॉयल पानी करके वेस्ट करना है हमें पानी। इसमें चीजें डालेंगे, वो है लहसुन, अदरक और 3 अदद हरी मिर्च। और ये देखिए मैंने सारा पानी वेस्ट कर दिया है। एक दफा हम पानी वेस्ट करेंगे, फिर दोबारा अच्छे से पकाएंगे। आधे घंटे के लिए इसे बिल्कुल तेज फ्लेम में पकाएंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 अदद बड़ी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बॉइल हो चुका है, हमने पानी बिल्कुल खत्म कर देना है इसमें से, बिल्कुल वेस्ट कर देना। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि हमारा कीमा बिल्कुल पक जाना चाहिए, क्योंकि बीफ का कीमा है। अब इसमें ऐड करूंगी 4 अदद टमाटर और बहुत सारी हरी मिर्च जो छोटी छोटी बारीक काटनी है हमें। और इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, स्लाइस हुए प्याज है और इसे अच्छी तरह वॉश करना है हमें। हम बनाना शुरू करते हैं। हम इसे तवे पे बनाएंगे क्योंकि हम कटाकट बनाने वाले हैं। और हम इसमें डाल रहे हैं सबसे पहले साबुत जीरा। तेज आंच में पकाएंगे क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल बॉयल हुआ हुआ है। ऐड करनी है कीमा। तेज आंच में हम कीमा इसलिए पकाएंगे क्योंकि हमारा पूरा अच्छे से बॉयल हुआ हुआ है गोश्त। तो हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद टमाटर और उसमें साथ ही साथ हम 3-4 अदद हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। और हरी मिर्च थोड़ी हम बचा देंगे ताकि बाद में डालें। अच्छी तरह कटाकट कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई कीमा कटाकट, बकराई की स्पेशल है। एक दफा आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। आप आगे कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं बकराई की स्पेशल में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मैं आपके साथ बीफ निहारी भी शेयर कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसने मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो प्लीज मेरा पेज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आए। और अगर आपको मेरी वीडियो पर आप मेरी वीडियो पे पहले से हैं तो प्लीज लाइक कर दें और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपीज। चलिए जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। देख सकते हैं हमारा कढ़ाई कीमा तैयार होने वाला है, कटाकट कीमा। मैंने टमाटर और कीमे को अच्छे से कटाकट कर दिया है। अब मैं इसमें वॉश हुए हुए स्लाइस प्याज डालूंगी। अगर आपको बगैर प्याज के खाना है तो आपकी मर्जी है, आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कटाकट कीमा बीफ कीमा तैयार है। आप एक दफा मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है और आगे रेसिपीज में आप मेरे चैनल पर क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको टिप्स और हेल्थ के इश्यूज भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि मैं आपको वीडियो बनाना बताऊं या नहीं। चलें हम बातें करते हैं बंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप इसे नान के साथ अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।